नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हेप्टोग्लोबिन सिरप का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, हेप्टोग्लोबिन सिरप को कैसे लेना चाहिए और हेप्टोग्लोबिन सिरप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि हेप्टोग्लोबिन सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में हेप्टोग्लोबिन सिरप को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। हेप्टोग्लोबिन सिरप का उपयोग शरीर में खून की कमी और शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए किया जाता है। शरीर में खून की कमी को मेडिकल भाषा में एनीमिया भी कहते हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं में खून की कमी होने पर भी डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को हेप्टोग्लोबिन सिरप को लेने की सलाह दे सकता है। शरीर में खून की कमी होने पर शरीर में बहुत ज्यादा थकान, शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी, उठते या बैठते समय चक्कर आना, त्वचा और आंखों में पीलापन, हाथों और पैरों का ठंडा होना, सिर दर्द रहना, छाती में दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ होना और दिल की धड़कन का तेज होना आदि लक्षण शरीर में खून की कमी होने पर हो सकते हैं। शुरुआत में ज्यादातर व्यक्तियों में खून की कमी होने पर कोई लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन जब एनीमिया की गंभीरता बढ़ती जाती है वैसे वैसे एनीमिया के लक्षण भी बढ़ते जाते हैं। इसलिए शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए और शरीर में कमजोरी को दूर करने के लिए डॉक्टर हेप्टोग्लोबिन सिरप को लेने की सलाह दे सकते हैं। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि हेप्टोग्लोबिन सिरप को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। हेप्टोग्लोबिन सिरप को खाना खाने के बाद लेना रेकमेंडेड होता है। हेप्टोग्लोबिन सिरप को लेने से पहले और लेने के बाद 2 घंटे तक चाय या कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाय या कॉफी शरीर में आयरन के अवशोषण को कम कर सकती है। आमतौर पर डॉक्टर 12 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों को 10 मिलीलीटर हेप्टोग्लोबिन सिरप को दिन में 2 बार और 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को डॉक्टर 15 मिलीलीटर हेप्टोग्लोबिन सिरप को दिन में 2 से लेकर 3 बार लेने की सलाह देते हैं। लेकिन हेप्टोग्लोबिन सिरप की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको हेप्टोग्लोबिन सिरप को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना हेप्टोग्लोबिन सिरप को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि हेप्टोग्लोबिन सिरप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में हेप्टोग्लोबिन सिरप की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में हेप्टोग्लोबिन सिरप की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। हेप्टोग्लोबिन सिरप में मौजूद आयरन की वजह से कुछ लोगों में कब्ज या दस्त की समस्या हो सकती है। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में हेप्टोग्लोबिन सिरप की वजह से उल्टी आने का मन होना और पेट में दर्द हो सकता है। हेप्टोग्लोबिन सिरप की वजह से टट्टी का रंग ब्लैक हो सकता है। हेप्टोग्लोबिन सिरप की वजह से टट्टी का रंग ब्लैक होना एक सामान्य बात है। अगर हेप्टोग्लोबिन सिरप को लेने के बाद टट्टी का रंग ब्लैक आता है तो इसका मतलब यह है कि हेप्टोग्लोबिन सिरप आपके शरीर में सही से काम कर रही है। अब हम डिस्कस करेंगे कि हेप्टोग्लोबिन सिरप को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में हेप्टोग्लोबिन सिरप को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। हेप्टोग्लोबिन सिरप को दूध, कैल्शियम सप्लीमेंट्स और पेट में गैस कम करने वाली एंटासिड दवाओं के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हेप्टोग्लोबिन सिरप को दूध, कैल्शियम सप्लीमेंट्स और एंटासिड दवाओं के साथ लेने से हेप्टोग्लोबिन सिरप का अवशोषण कम हो सकता है, जिसकी वजह से हेप्टोग्लोबिन सिरप की प्रभावशीलता कम हो सकती है। कुछ डॉक्टर हेप्टोग्लोबिन सिरप के साथ विटामिन सी के सप्लीमेंट या विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ खाने की सलाह दे सकते हैं, क्योंकि विटामिन सी शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ावा देता है, जिसकी वजह से हेप्टोग्लोबिन सिरप की प्रभावशीलता बढ़ जाती है। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं
और स्तनपान करा रही महिलाएं हेप्टोग्लोबिन सिरप को ले सकती है या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए हेप्टोग्लोबिन सिरप का सेवन करना सुरक्षित है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं हेप्टोग्लोबिन सिरप को डॉक्टर की सलाह के अनुसार ले सकती है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका हेप्टोग्लोबिन सिरप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।